गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स टीचर्स एंड माय डियर पेरेंट्स विश यू अ हैप्पी एंड हेल्थी योगा डे आई एम अ पीटी टीचर ऑफ सेंट जेवियर हाई सेकेंडरी स्कूल सिरगिट्टी ब्रांच एंड गुड मॉर्निंग टीचर्स बच्चे एंड पेरेंट्स सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा दिवस पर सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के दिन बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में योगा दिवस बनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगा करना बहुत कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज है। हम सभी योगा कर सकते हैं। योगा करने से हमारा शारीरिक मानसिक सभी रूप से हम संतुष्ट रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। सभी को योगा करना बहुत जरूरी है। हम आज दोनों मिलके हम आपको अच्छे से अच्छे योगा के बारे में बताएंगे। आप सभी को योगा करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम गिरधर राव है। मैं सेंट जेवियर स्कूल सिरगिट्टी का डांस टीचर हूँ। आप सभी को आज मिलकर योगा करेंगे। धन्यवाद। पहला आसन है पद्मासन। इसमें पहले बॉडी को सीधा करेंगे हम। एक पैर धीरे से मोड़ के पहले पैर में रखेंगे, फिर धीरे से दूसरा पैर उठाकर धीरे से मोड़कर पहले पर रखेंगे और बॉडी सीधा रखकर ओम का जाप करेंगे। इसमें धीरे से सांस लेना है, फिर धीरे से सांस छोड़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट्स रिलैक्स द माइंड एंड स्टोर एनर्जी लेवल, इट्स इंप्रूव्स डाइजेशन, इट्स हेल्प टू इम्प्रूव पोस्चर। दूसरा आसन, ये आसन का नाम है मर्ज आर्या आसन। ये आसन करने के पहले आपके सामने छोटा सा प्रस्तुति देंगे, जो दोनों हाथों को जमीन की सतह पर रखेंगे, उसको धीरे से अपना सर को नीचे से सतह से लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। उसको फिर धीरे से सर को नीचे लाते हुए अपने पेट की सतह को ऊपर की ओर उठाना है। ये आसन कम से कम आपको 5 से 10 बार करना है। ये आसन की खूबियां मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एवं लचीलापन जो शरीर में आता है वो आगे बने रहता है और शरीर की जो रक्त कणियां हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत तेजी से बॉडी में ऊपर से नीचे की ओर चलती है। एवं हमको सांस लेने की एवं ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के लिए जो हमारी बॉडी की जो क्रिया है वो बहुत अच्छे से। उत्तरासन, इसमें पूरे शरीर को दोनों घुटनों के बल खड़े करना है, फिर अपने दोनों हाथों को पीछे कर अपने पैरों को छूना है और पूरे शरीर को स्ट्रेस करना है। इसके फायदे, उत्तरासन हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखता है। इट्स ओपन ओपी द चेस्ट, इट्स हेल्प टू ओवरकम मेंस्ट्रुअल एंड डिस्कम्फर्ट। अगला आसन है भुजंगना आसना। ये आसन जमीन की सतह पर लेटते हुए सर को आसमान की ओर देखते हुए ये आसन को कम से कम हमको दिन में 5 से 10 बार करना आवश्यक होता है। ये आसन को करने से हमारी बॉडी से बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, जैसे कि अस्थमा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को दूर करता है। हमारी बॉडी की जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाता है और रक्त कणी को तेजी से प्रभावित करता है। अगला आसन है सर्वंगासना। ये आसन जमीन की सतह पर सीधी और लेटना है और लेटते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर आसमान की ओर ले जाना है। ये आसन को कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। प्रतिदिन करने से हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये करने से हमारे ब्रेन
हमारे मस्तिष्क की मानसिक संतुलन बनी रहती है। इसमें डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारियां दूर होती है। ये आसन हमारे शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बहुत लाभदायक होता है। आसन है वृक्ष आसन। ये आसन बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को सीधा रखना है। अपनी दाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों को प्रणाम करते हुए ऊपर की ओर सीधा करके खड़े रहना है और अंदर की सांस को बाहर की ओर धीरे से छोड़ना है और अंदर लेना है। ये आसन हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ को बढ़ाती है एवं बैलेंस को इम्प्रूव करती है और ये हमारे बॉडी मसल्स को इम्प्रूव करती है, हमारे शारीरिक क्षमता को आगे बढ़ाती है। इस आसन को वृक्ष आसन बोलते हैं। आसन है सूर्य आसन। इसमें दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सूर्य नमस्कार करना है। शरीर को नीचे की ओर जमीन की सतह पर झुकते हुए दोनों हाथों को पीछे करते हुए सूर्य नमस्कार करना है। इसमें शारीरिक रूप से एवं मानसिक संतुलन बने रहता है। ये रोजाना हमको कम से कम 10 से 15 बार करना है। इसी को हम दोबारा फिर से करेंगे। हमारे सूर्यासन का अगला चरण है, इसमें धीरे से हाथों को ऊपर उठाना है, सामने की ओर ले जाते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना है, धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाते हुए सूर्य नमस्कार करना है। इसके फायदे, यह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों को ही सही रखता है। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, ब्लड प्रेशर या बीपी सब ठीक होते हैं इससे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप सभी को आज का योगा वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूंगा कि सभी अपने घर में प्रैक्टिस करें और मैं चाहूंगा कि अपने डेली अपने घर में योगा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए एवं मैं चाहूंगा कि योगा करते रहिए और अनेकों अनेक बीमारी को दूर करते रहिए। थैंक यू वेरी सो मच।